subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान अली टेक्निकल चैनल। और आज हम बूटस्ट्रैप का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने बूटस्ट्रैप के फर्स्ट डेमो लेक्चर में, डेमो क्लास में देखा था बूटस्ट्रैप की इंट्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 4 एंड न्यू वर्जन्स। तो आज हम बूटस्ट्रैप में बात करने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर बटन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा buttons.html। शिफ्ट वन प्रेस करते हुए अपना डिफॉल्ट पेज स्ट्रक्चर बनाया और टाइटल में मैं लिखूंगा बटन इन बूटस्ट्रैप और लिंक ऐड करूंगा मैं बूटस्ट्रैप कोई CSS क्लास का यहाँ पर, जहाँ पर CSS के फोल्डर में जाके मुझे यूज़ करनी बूटस्ट्रैप min.css। बॉडी में आके मैंने लिखा H1 और उसमें मैंने लिखा बटन्स इन बूटस्ट्रैप। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक ब्रेक लाइन, वन लाइन ब्रेक। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बटन और बटन का नाम मैं रखूँगा होम अभी के लिए। और बटन के अंदर जाके मैं बनाऊँगा एक क्लास, और क्लास में बूटस्ट्रैप में बटन बनाते होगा तो बटन की शॉर्ट फॉर्म BTN स्पेस BTN। अब मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ब्लू कलर यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा BTN प्राइमरी। इस पूरे बटन की मैंने बनाई एक कॉपी और मैंने यहाँ पे प्राइमरी को ख़त्म करके BTN डार्क, अगर मुझे ब्लैक कलर का बटन बनाना है तो मैं BTN डार्क लिखूँगा, और मैं रेड कलर का बटन बनाना है तो मैं BTN डेंजर लिखूँगा। और इसी तरह मैंने इसकी एक और कॉपी बनाई और मुझे येलो कलर का बटन बनाना है तो मैं लिखूँगा BTN वार्निंग। तो बूटस्ट्रैप के अपने अपने कलर्स के नेम हैं। और लास्ट में मैंने यूज़ करना है लाइट कलर का बटन, ग्रे कलर का, तो मैंने लिखना है BTN लाइट। सेव किया, ओपन किया ब्राउज़र में, तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ बूटस्ट्रैप की मदद से हमने अपने बटन बना लिए। अगर यही काम हम कस्टम CSS से करते तो आपको अंदाज़ा है कि हमें कितनी ज़्यादा CSS लिखनी पड़ती। ओके, अब इस पूरे बटन की मैं कॉपी बनाता हूँ और मैं यहाँ पे HR लिख के एक लाइन लगाऊंगा और मैं बटन के साइज़ एडजस्ट करूँगा। ये तो थे बटन के डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड साइज़, अब मैं अपनी मर्ज़ी से बटन का साइज सेट करूँगा। मैंने की इस पूरे बटन की कॉपी और BTN से बाद में मैंने लिखा BTN जो बटन बने वो LG वाला, कौन सा लार्ज वाला बूटस्ट्रैप का बटन बने। तो इस बटन को मैंने सारे बटन के बाद जाके BTN लार्ज लिख दिया। अब याद रखिए इसमें पहले वाला बटन बनाने की CSS क्लास है, सेकंड वाली उसका साइज़ की, और थर्ड वाला उसका कलर है कि बटन का कौन सा कलर देना है। बटन पे सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि बटन का जो साइज़ है वो लार्ज, BTN लार्ज लिखने से बटन बड़ा हो गया हमारा। इसी तरह मैंने इस पूरे सेट की एक और कॉपी बनाई बटन की, और अब मैं मीडियम साइज़ के बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा BTN MD, MD स्टैंड फॉर मीडियम बटन। तो मैंने सारे वाले कॉपी को किया और सारे लार्ज वाली जगह पर रिप्लेस किया BTN मीडियम। तो याद रखिए यहाँ पे बटन बनाने के लिए हमें सबसे पहले BTN यूज़ करनी पड़ेगी CSS क्लास, फिर उसका साइज़, फिर कलर रिफ्रेश किया, और आप देख रहे हैं अब हमारे फर्स्ट वाले जो बटन है स्टैंडर्ड है, सेकेंड वाले लार्ज हैं, और थर्ड वाले हमारे मीडियम साइज़ के बूटस्ट्रैप के बटन हैं। अब मैं दोबारा से इस पूरे सेट की एक और कॉपी बनाऊंगा और मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ के बटन बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बटन की पूरी एक कॉपी दोबारा से ली और इस बार बटन का साइज़ मैंने लिखा BTN SM, मतलब के बटन स्मॉल साइज़ का बनाओ। जैसे मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हमारे पास, तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो हमारे जो बटन है वो स्मॉल साइज़ के बन गए। जो फर्स्ट वाले बटन थे वो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज़ है बूटस्ट्रैप का, आप उसको लार्ज मीडियम स्मॉल कोई साइज़ ना दें, वो स्टैंडर्ड साइज़ है। सेकंड वाले हमने बनाए लार्ज और थर्ड वाले बनाए मीडियम, अब हमने बनाए हैं बूटस्ट्रैप के सबसे स्मॉल साइज़ के बटन। ओके, मैं बटन आप कुछ अलग स्टाइल के बनाता हूँ। मैं करता हूँ इस पूरे बटन सेट की कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ H2 लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे बटन विद आउटलाइन। बूटस्ट्रैप में आउटलाइन वाले बटन कैसे बनाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ अगर माउस आए तो उनके ऊपर उसके होवर का केस यूज़ होता है। मैंने लिखा यहाँ पे BTN आउटलाइन डेंजर्स, और मैं इसको डेंजर को ख़त्म करके मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी कलर दूंगा जो कि ब्लू वाला कलर है। ओके, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने कहा कि जो डार्क वाला है उससे पहले इसको पेस्ट कर दो। तो इस तरह हमारे जो सारे बटन हैं वो BTN आउटलाइन प्राइमरी, BTN आउटलाइन डार्क, और डेंजर, और वार्निंग, और लास्ट पे लाइट।
एक बार सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो आप देख रहे हैं हमारे कुछ बूटस्ट्रैप के बटन कुछ स्टाइल चेंज हुआ, और जैसे मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये होवर का केस कर रहे हैं, तो माउस लेकर जाने पे बटन का कलर इसके अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो लार्ज साइज़ वाले बटन है उनको भी BTN आउटलाइन करता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आउटलाइन के साथ BTN के जो लार्ज साइज़ और मीडियम साइज़ मैनेज करने हैं वो किस तरह करने हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है कि सिर्फ उसके साथ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है आउटलाइन की। सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे जो हमारे लार्ज साइज़ के बटन थे वो आउटलाइन की शेप में कन्वर्ट हो गए, जस्ट BTN आउटलाइन लिखने से। तो ये थे बूटस्ट्रैप के बटन बनाने के कुछ स्टाइल्स, जो कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल और आउटलाइन बटन। अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन के दरमियान में स्पेस आ रही है वो स्पेस ख़त्म हो जाए, ये बटन ग्रुप की फॉर्म में है। तो मैंने लिखा डिव और BTN ग्रुप, और इस डिव को क्लोज कर दिया पूरे बटन के लास्ट पर जाके। सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हैं जो हमारे बटन थे वो नॉर्मल है। जैसे ही मैं करूँगा रिफ्रेश तो अब बटन का एक प्रॉपर ग्रुप बन गया जो कि नेविगेशन शेप में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी थी CSS की बटनों को ग्रुप करने की, इसलिए मैं इसको टॉप पर जाके भी लिखता हूँ डिव BTN ग्रुप, और इसका जो डिव क्लोज है उसको बटन के लास्ट पर आके लगा देता हूँ। सेव किया एक बार फिर से और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो टॉप वाला बटन था वो ग्रुप की फॉर्मेट में, ग्रुप की शेप में आ गया। तो मैं अपने HTML के पेज के अंदर आके इन बटन्स के कुछ नाम रख लेता हूँ, और अबाउट, प्रोफाइल, और उसके बाद फीडबैक, और लास्ट पे मैं नाम रखूँगा कॉन्टेक्ट अस। तो आपने देखा कि बूटस्ट्रैप ने फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी, जो आप कस्टम CSS लिखते थे 400-500 लेने की, बूटस्ट्रैप ने CSS स्टैंडर्ड लिख के रखी है। आपने जस्ट उसका CSS के नेम कॉल करनी है और आपका डिज़ाइन आपके मुताबिक बनता जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे जो टॉप वाले बटन थे वो BTN ग्रुप फॉर्मेट में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बूटस्ट्रैप की बटन की क्लास आज की पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।